हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है और मैं आपको बोलूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मुझे यकीन है कि आपको कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ S&P BSE 100 ESG इंडेक्स के बारे में और मैं ये बताने वाला हूँ कि 2021 में क्यों ये इंडेक्स चर्चा में रहने वाला है और अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो 2021 में निवेश करने के पहले आपको भी क्यों जानना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये S&P BSE 100 ESG इंडेक्स में ESG का मतलब क्या है। ई का मतलब है इन्वायरमेंट, एस का मतलब है सोशल, जी का मतलब है गवर्नेंस। अब ये ESG क्यों यूज हुआ है? ESG इसलिए यूज हुआ है कि जो ये इंडेक्स है इसमें जो भी स्टॉक्स होंगे वो उन कंपनियों के स्टॉक्स होंगे जो कि इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस इन तीन फैक्टर में सही उतरते हैं। इसका एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी है जिसके आधार पे कंपनियों का सिलेक्शन होता है। अब आप ये सोचो कि आपको उन कंपनियों का लिस्ट ऐसे ही मिल जाए जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली, सोशल और गवर्नेंस ये तीनों फैक्टर में सही उतरते हैं, तो ये तो आपके लिए फायदा होगा ही होगा, जिसका लिस्ट मैं आपको आगे दूंगा। थोड़ा S&P BSE 100 ESG इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। तो डेफिनेशन कहता है द S&P BSE 100 ESG इंडेक्स इज डिजाइन टू मेजर सिक्योरिटीज दैट मीट सस्टेनेबिलिटी इन्वेस्टिंग क्राइटेरिया वाइल मेंटेनिंग ए रिस्क एंड परफॉर्मेंस प्रोफाइल सिमिलर टू द S&P BSE 100। तो इसमें जो कंपनियां आएंगी वो S&P BSE 100 में जो कंपनियां हैं वो कंपनियां आएंगी। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंपनीज विद डिस्क्वालिफाइंग यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC स्कोर्स एंड दोज कंपनीज फॉलोइंग स्पेसिफिक बिजनेस प्रैक्टिस एज ऑफ द रिबैलेंसिंग रेफरेंस डेट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एलिजिबल यूनिवर्स। तो यहाँ पे पूरे डिटेल पे तो नहीं जाता बट टोबैको से रिलेटेड कंपनियां एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आ जाएंगी। जो कंट्रोवर्सियल वेपन्स बनाती हैं वो कंपनियां जो है वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आ सकती। इसी तरह एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है जिसके कारण कई सारी कंपनियां इस लिस्ट में नहीं आ सकती। रीबैलेंसिंग कब होता है? द इंडेक्स इज रीबैलेंस्ड एनुअली ऑन द थर्ड फ्राइडे इन जून। द रीबैलेंसिंग रेफरेंस डेट इज द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ अप्रैल। तो ये समझ लो कि यहाँ पे जो रीबैलेंसिंग होता है वो ईयरली रीबैलेंसिंग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेते हैं। अब आगे परफॉर्मेंस देख लेते हैं S&P BSE 100 ESG इंडेक्स का। तो अगर मैं 18 दिसंबर 2020 की बात करूं तो इस इंडेक्स का वैल्यू है 222.96। अगर एक साल का चार्ट देखते हैं तो एक साल का चार्ट मतलब जनवरी 2020 से लेके अभी दिसंबर 2020 तक का चार्ट देखते हैं तो चार्ट को देखने से समझ में आ रहा है कि मार्च के महीने में तो ये डाउन था लेकिन मार्च के बाद से जो इसने पिक किया है तो अभी 222 के लेवल में है। मार्च में करीब ये 120-130 का लेवल समझ में आ रहा है, उस लेवल पे था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये S&P BSE 100 ESG इंडेक्स आपको जानना क्यों इम्पोर्टेंट है और ये जो वैल्यूज है उसको भी आपको जानना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अभी 2019-20 से ESG म्यूचुअल फंड का लॉन्च बढ़ रहा है। पहला ESG म्यूचुअल फंड 1991 में लॉन्च हुआ था जो कि SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड का था। उसके बाद 1991 के बाद में सीधा 2019 में अगला ESG फंड लॉन्च हुआ जो रहा क्वांटम इंडिया ESG इक्विटी फंड। मतलब 1991 से लेकर 2019 तक सिर्फ दो ESG फंड इंडिया में रहे। अब हो क्या रहा है कि ग्लोबली ESG फंड पे ज्यादा लोगों का ध्यान जा रहा है। अब जब ग्लोबल वे में ESG फंड के ऊपर ज्यादा ध्यान जा रहा है, इंडिया में वो फॉलो होना चालू हो गया है। इसी के कारण अगर आप देखोगे तो 2020 में करीब 6 नए ESG फंड लॉन्च हुए। 22 जनवरी 2020 को एक्सिस ESG इक्विटी फंड, 21 सितंबर 2020 को ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड, 15 अक्टूबर 2020 को क्वांट ESG इक्विटी फंड, 27 अक्टूबर 2020 को मेरा एसेट ESG सेक्टर लीडर्स फंड ऑफ फंड, 27 अक्टूबर 2020 को मेरा एसेट ESG सेक्टर लीडर्स ETF और 4 दिसंबर 2020 को आदित्य बिरला सनलाइफ ESG फंड। उसमें भी अगर एक्सिस ESG इक्विटी फंड को छोड़ दें तो बाकी सभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पिछले 4 महीने में ही करीब 5 फंड लॉन्च हो गए हैं। 40 से ऊपर AMC है। तो 2021 में क्या होने वाला है? अब यहाँ पे मैं अपना एक्सपेक्टेशन बताता हूँ। 2021 में ये होने वाला है कि मोर ESG स्कीम्स विल बी लॉन्च्ड। ये तो होने वाला है।
जितने भी फंड हाउस है वो ये कोशिश करेंगे कि उनके पास में भी एक ESG स्कीम तो जरूर हो। दूसरा, जब चारों तरफ ESG फंड की बात होगी तो इन्वेस्टर्स में भी ये उत्सुकता जरूर होगी कि वो जाने कि ये ESG फंड होता क्या है, और साथ में वो भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ESG स्टॉक्स क्या है, क्या ऐसे स्टॉक्स हैं जो ESG कैटेगरी में आते हैं, वो उसको कैसे चूज कर सकते हैं। जब म्यूचुअल फंड की बात होती है, म्यूचुअल फंड स्कीम की बात होती है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है, वो है कंपैरिजन कि उस फंड स्कीम का बेंचमार्क क्या है, क्या बेंचमार्क फॉलो होता है। अभी अगर आप देखोगे तो सिर्फ दो बेंचमार्क अवेलेबल है, एक S&P BSE 100 ESG इंडेक्स, दूसरा जो है वो NSE का है। तो इन्हीं दो ESG इंडेक्स को कंपनियां फॉलो करेंगी जब वो नया स्कीम लॉन्च करेंगी, और मुझे लगता है कि कई सारे फंड स्कीम S&P BSE 100 ESG इंडेक्स को फॉलो करेगी। तो जब कंपैरिजन की बात आएगी तो जरूर रूप से इन्वेस्टर को देखना होगा कि ये बेंचमार्क क्या है, इस बेंचमार्क का डिटेल क्या है, कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, क्या मेथोडोलॉजी यूज होता है कंपनियों को सेलेक्ट करने के लिए। फिर साथ में ये भी होगा कि अगर वो म्यूचुअल फंड नहीं खरीदना चाहते हैं बट उनको ये पता चल जाता है कि ऐसा कोई इंडेक्स है, ESG इंडेक्स अवेलेबल है, जो कि इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, ये तीन फैक्टर को फुलफिल करने के बाद में जो स्टॉक्स आते हैं उसका समावेश है, तो होगा ये कि जो नॉर्मल इन्वेस्टर है वो भी ये सोचेंगे कि ठीक है, ज़्यादा उनको रिटर्न ना मिले बट वो ऐसे स्टॉक्स में निवेश करें जो कि ये ESG कैटेगरी में आती है। तो इससे होगा ये कि आगे चल के इन्वेस्टर्स ESG इंडेक्स में जो भी स्टॉक आते हैं उन पे पैसा लगाएंगे, और उसके पीछे उनका लॉजिक ये होगा, एटलीस्ट वो इस बात के लिए सेफ रहेंगे कि जहाँ पे भी वो पैसा लगा रहे हैं वो कंपनियाँ एटलीस्ट गवर्नेंस, इन्वायरमेंट और सोशल, ये तीन क्राइटेरिया तो फुलफिल करती है, तो उनको पैसा अपने डूबने का ज़्यादा खतरा नहीं लगेगा। अब ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि आपको 2021 में निवेश करना है पर अभी आपको मालूम नहीं है कि कौन कौन सी कंपनियां ये S&P BSE 100 ESG इंडेक्स में आती है, आज नहीं तो कल आपको जानना होगा, तो क्यों ना मैं आपको यहां पे अभी दिखा देता हूं। तो यहां पे मैं S&P BSE 100 ESG इंडेक्स में 18 दिसंबर 2020 को जो जो कंपनियां हैं उसके बारे में जल्दी से आपको पढ़ के बता देता हूं ताकि आपको याद भी रहे। इंडसइंड बैंक, इन्फी, रिलायंस, डॉक्टर रेड्डी, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, TCS, इंडालको, ICICI बैंक, SBI, HDFC बैंक, टाटा मोटर्स, सिप्ला, कोटेक बैंक, अंबुजा सीमेंट, विप्रो, VEDL, मदरसुमी, फेडरल बैंक, मारुति, हिंद पेट्रो, DLF, सन फार्मा, बायोकॉन, बैंक ऑफ बड़ौदा, अदानी पोर्ट्स, टाइटन, PEL, M&M फाइनेंस, भारती एयरटेल, श्री ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, भारत फोर्ज, एक्साइड इंडिया, TCHM, गेल, UPL, डीवी लैब्स, पेज इंडिया, JSW स्टील, डाबर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हैवेल्स, नौकरी, हीरो मोटोकॉम, क्रॉम्पटन, अल्ट्रा सीमेंट, NTPC, PFC, REC लिमिटेड, ACC, NMDC, कंकर, नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया, मैरिको, कोलगेट पामोलिव, पावर ग्रिड, ग्रासिम, टाटा मोटर्स, सीमेंस, गोदरेज CP, श्री सीमेंट, अशोक लीलैंड, टाटा कंज्यूमर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ITC नहीं आया, क्यों? क्योंकि ITC टोबैको बिजनेस में है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है दोस्तों जो आपको समझना है, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 2021 में कई सारे ESG फंड लॉन्च होंगे, जब नया कोई फंड आएगा मतलब पहले इन्वेस्टर से पैसा लिया जाएगा और उसके बाद में उस पैसे को इन्हीं स्टॉक्स में निवेश होगा, तो ऑब्वियस है कि जब पैसा इन स्टॉक्स में निवेश होगा तो 2021 इन सभी स्टॉक्स के लिए अच्छा होगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के रास्ते से भी नहीं जाते हैं पर चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में निवेश करें तो आपको जरूर से इन स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आपको जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया हूँ, पर जब आप स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो जरूर से आप अच्छे से स्टडी करें उसके बाद ही निवेश करें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।